बोलो गीता माता की जय हो। जय हो। आठवां अध्याय गीता जी का। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त है मुझे जानते नात, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। केवल मेरी भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्याय किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है? अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर मतलब ही अविनाशी, जो अक्षर और परम मतलब सबसे श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधि यज्ञ हूं। और जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस प्रकार सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूं। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्म गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, परम लोक पर्यंत जिसके लोक है वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म जन्म नहीं होता। हजार महायुगों का एक दिन होता है और हजार महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की रात होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह समय बतलाता हूं। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष
मेरे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य मग्न करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। कहता हूं, हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बताए हुए हैं, योग में उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। बोलो गीता मैया की जय हो। भूल चुगती माफ करोगे।